जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले अभी अभी बहुत ही दुखद खबर आ गई है। दोस्तों बता दें कि चुनाव प्रत्याशी का निधन हो चुका है। दोस्तों बता दें कि अचानक हार्ट अटैक से मौत हुआ है और इस खबर से पूरे देश में हड़कंप मच चुका है। दोस्तों बता दें कि जहां पर उनको टिकट मिला था वहां का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार कहां के नेता का निधन हुआ है जिसके कारण से पूरे देश में हड़कंप मच चुका है। दोस्तों बता दें कि मध्य प्रदेश के बैतूल से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार बैतूल लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी का मंगलवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि अचानक सीने में दर्द उठने के बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, दरअसल यह बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। दोस्तों बता दें कि प्रत्याशी के निधन को लेकर के बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी का कहना है कि बसपा प्रत्याशी की मौत के संबंध में रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी है। अभी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत 26 अप्रैल 2024 को होने वाली मतदान प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। आगे निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि दोस्तों बता दें कि बसपा के प्रत्याशी के निधन के बाद इस चुनाव को स्थगित कर दिया गया है और बता दें कि आगे निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बेहद दुखद खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि चुनाव से पहले ही प्रत्याशी का निधन हो चुका है और यह प्रत्याशी बसपा का प्रत्याशी था जो कि मंगलवार को यानी कि कल शाम को उनका निधन हुआ है। और इस खबर से बसपा में तो शोक की लहर है ही, साथ ही साथ तमाम पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने श्रद्धांजलि दिए हैं। तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि बसपा नेता अशोक भलावी का आत्मा को शांति मिले तो नीचे कमेंट सेक्शन में ओम शांति ओम जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि यह जानकारी औरों के पास पहुंच सके और वो भी आज के इस बड़ी खबर की वीडियो से अपडेट हो सके। तो चलिए इसी खबर के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।